सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम मिला सलाम। साथियों, मैं आज आप लोगों से बात करने के लिए आया हूँ सहारनपुर के अंदर। एक बहन के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। वो बहन स्कूल गई थी पढ़ने के लिए, कुछ कमीने कुछ दरिंदे मिलकर उस बहन का बाथरूम में जाकर उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे थे, उसके हाथ को पकड़े। और जब उसके पिता ने, उस लड़की के पिता ने जाकर उन लोगों से शिकायत किया, उन लोगों से पूछा क्यों ऐसा कर रहे हो, तो उन लोगों ने क्या कहा कि अगर ऐसा करूंगा जिसको जो मर्जी होगा वो कर लेगा। उसके बाद वो उसके पिता घर पे चले आए और आने के बाद वो लड़की जो है वो मेरी बहन, किसी भी समाज की हो वो है तो बहन ही लगेगी। उसके बाद वो डर गई। डरने के बाद वो 4 दिन से स्कूल नहीं गई है और उसके माता पिता भी सारे के सारे पूरे परिवार के लोग डरे हुए हैं कि कहीं उसकी उसके साथ कोई अत्याचार ना हो जाए। और उन लोगों ने पुलिस में भी जाके कंप्लेन दर्ज करवाई, अभी भी कुछ हुआ नहीं है। ये सहारनपुर की ये घटना है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि जब भी हो रहा है यार, हमारे देश में एक ही चीज सुना जा रहा है कि बहन बेटियों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, तो क्या ये हमारी जो बहन बेटियां हैं इस देश में, जो हमारी बहन बेटियां हैं वो क्या पैदा ही ना हो? बहन बेटियां क्या घर से निकल नहीं सकती, बाहर नहीं निकल सकती? क्या वो पढ़ नहीं सकती? क्या वो कोई नौकरी नहीं कर सकती? आखिर क्यों इस तरीके से क्यों किया जा रहा है? क्या हमारे देश की जो प्रशासन है वो क्या गूंगी है, वो क्या विकलांग है जो इन दबंगों को पकड़ नहीं सकती है? किस बात की सैलरी देती है इनको सरकार? मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि आप किस बात की, आप लोग इन लोगों को सैलरी देते हो जब इन लोगों को पकड़ नहीं सकते? सरेआम स्कूल के अंदर इस तरीके से घटना की जा रही है, तो बीच रोड पे, जैसे रोड पे चलते हैं सुनसान जगह पे, तो वहां पे बहन बेटियों के साथ किस तरीके से सुलूक किया जा रहा है? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और जिन लोगों ने इस तरीके से काम किया है उस बहन के साथ, मैं उनसे कहना चाहता हूं और इस देश की पुलिस से कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की पुलिस से कहना चाहूंगा कि सहारनपुर के वो रहने वाले हैं, उस बहन के घर पे जाओ, उसके नाम पे कंप्लेन दर्ज करो, उनको सजा मिलनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। और जो भी है उस बहन को, अगर ये मेरा वीडियो उस बहन तक पहुंचे तो उससे बस मेरा कहने का ये ही उत्तर है कि वो डरे ना, क्योंकि उस बहन के साथ है भीम आर्मी। और अगर इस मेरे वीडियो को भाई चंद्रशेखर आजाद भी देखते हो और सहारनपुर के जितने भी साथी हैं, अगर आप लोग देखते हैं तो प्लीज उस बहन का जाके आप लोग सहायता करें, क्योंकि अगर किसी भी कास्ट की हो, चाहे वो हिंदू हुआ, चाहे वो मुसलमान हुआ, चाहे वो दलित हुई, चाहे वो ब्राह्मण हुआ, किसी भी समाज की अगर बहन रही, अगर किसी के पास अगर अत्याचार होगा तो मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगा, आप लोग के बीच में जरूर आऊंगा और उसके खिलाफ से, उसकी तरफ से आवाज जरूर उठाऊंगा। ये गलत है, किसी की भी बहन बेटी हो, किसी के साथ अगर गलत काम किया जाए और उसके साथ कोई भी सुलूक किया जाए तो किसी को ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये गलत है, किसी भी वो समाज की हो, चाहे वो किसी कास्ट की हो। और जिन कमीनों ने इस तरीके से हरकत की है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर जो दबंग है वो सरेआम घूम रहे हैं और पुलिस जो है, पुलिस के पास तो कुछ है ही नहीं, पुलिस सिर्फ गरीबों को पकड़ने में लगी है, दलितों को अंदर डालने में लगी है, जो दबंग है उनको पकड़ी नहीं पा रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा यार, पुलिस को हम लोग सोचते हैं कि हमारे देश की जो पुलिस है बहुत अच्छी है, लेकिन अब पता चल रहा है कि हमारे देश की पुलिस कुछ भी नहीं है। सैलरी लेने से कुछ फायदा नहीं होता, सैलरी अगर लेते हो तो सैलरी जैसा काम भी करो। तो ये मैं देश की सरकार से कहना चाहता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी आप एक नारा दिए थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज इस देश की बेटियां कोई भी सुरक्षित नहीं है, कहाँ गया आपका वो नारा? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और उस सहारनपुर के अंदर जो उस बहन के साथ जो हरकत किया गया है, अगर वो कहीं पे भी वो उन लोगों को पकड़ा जाए, पकड़ कर उनको हिरासत में लिया जाए और उनके साथ सख्त से सख्त उनको कार्रवाई किया जाए। और भीम आर्मी के भाई चंद्रशेखर आजाद, नवाब सतपाल तंवर और विनय रतन जी, जितने भी भाई हैं मेरे, अगर इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज जाकर सहारनपुर के अंदर
उस बहन की जाके सहायता करें। क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम, और इस मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों से ये बता दूं कि जब उस मैंने भी उस वीडियो को देखा तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब घबराहट सी होने लगी और मुझे बहुत बुरा लगा। बुरा लगने के बाद आप लोग देख सकते हैं सुबह का पहर है, मैं इनर ही पहन के आप लोगों के बीच में आ गया। इसके लिए क्षमा चाहूंगा आप लोगों से, और जो भी ये घटना हुई उसके साथ सख्त से सख्त उसको कार्रवाई होनी चाहिए और उसको न्याय मिलना चाहिए।